10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्टार्ट। आदरणीय साथियों, भगवान विष्णु जगत पिता हैं। उन्होंने जग जननी पार्वती को एक दिन अपने पास बुलाकर कहा, देवी तुम्हें जगत के समस्त प्राणियों का भरण पोषण करना है, उनके लिए अन्न की व्यवस्था करनी है। इतना कहकर शिव समाधिस्थ हो गए। भगवती पार्वती उनके सम्मुख बैठी बैठी इसी चिंतन में डूबी रही कि किस प्रकार सबके लिए अन्न की व्यवस्था की जाए। भगवान शिव के स्वरूप को निहारती हुई पूरे 7 दिनों तक वह उनके सामने ही उसी अचल अवस्था में बैठी रहीं। शिव ने आंखें खोलीं, पार्वती को उसी प्रकार अपने सामने बैठा देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। पार्वती ने उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने पार्वती से अपने सामने बैठे रहने का कारण जानना चाहा। पार्वती ने विनय पूर्वक कहा, हे जगत पिता, आपने मुझे अन्न की व्यवस्था का भार दिया है, अतः मैं उसी की चिंता में इस तरह खो गई कि समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अन्न की व्यवस्था के लिए मुझे आपसे उन वस्तुओं एवं शक्ति की आवश्यकता है जो समाधि की अवस्था में आपके काम नहीं आती हैं। पार्वती की बातें सुनकर भगवान शिव सोचने लगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो समाधि की अवस्था में मेरे उपयोग में नहीं आती है। उन्होंने पार्वती से पूरी बात स्पष्ट करने के लिए कहा। पार्वती ने कहा, स्वामी, मैं आपके इस त्रिशूल का उपयोग हल के रूप में करना चाहती हूँ। इससे जमीन की खुदाई हो सकेगी, मिट्टी को बीज बोने योग्य बनाया जा सकेगा। आपके नादिये को मैं हल जोतने के काम में लगाऊंगी। खेती की जुताई के अलावा इसके गोबर से खाद का काम भी लिया जा सकेगा। इसके गोबर से गोबर गैस तैयार की जा सकेगी। इसकी सहायता से कुओं से पानी भी निकाला जा सकेगा। मैं आपके जटाजूट में निवास करने वाली बहन गंगा को भी अपने साथ ले जाऊंगी, ताकि उनके जल से खेत सींचे जा सकें। आपके इन गुणों का उपयोग में खेती में सभी कामों में श्रमिकों के रूप में करूंगी। ये आधा तन ढके अपनी मस्त प्रसन्न मुद्रा में खेतों पर मेहनत का काम भली भांति कर सकेंगे। ये अपना पसीना बहाकर अन्न भी उपजाऊ बनाएंगे। भगवान शिव बड़े ध्यान से देवी पार्वती के विचार सुन रहे थे। वे मन ही मन उनकी सूझबूझ की प्रशंसा भी कर रहे थे। पार्वती बोली, स्वामी, अनाज के पौधों को चूहों से बचाने के लिए मैं आपके सर्पों को पहरेदारों के रूप में खेतों में रखूंगी। आपका यह डमरू पक्षियों से अनाज की रक्षा करने के लिए काम में आएगा। उसकी आवाज़ सुनकर वे भय के कारण फसल को नष्ट नहीं कर पाएंगे। आक एवं धतूरे का उपयोग मैं खेत की बाड़ पर करूंगी। इससे खेत की बाड़ मजबूत रहेगी और कोई अकारण उसे आ जा नहीं सकेगा। अनाज एकत्रित होने पर उसके रख रखाव में यह भस्म जिसे आप शरीर पर लगाते हैं
काम आएगी, जिससे अनाज सड़ने नहीं पाएगा। आदरणीय साथियों, भगवान शिव पार्वती की बात सुनकर मुस्कुराए। पार्वती के चिंतन और नई सूझ पर उनका मस्तक गर्व से तन गया। उन्होंने स्वयं भी अपने साथ सदा रहने वाली चीज़ों की उपयोगिता के इस नए पक्ष पर कभी विचार नहीं किया था। उन्हें पार्वती के स्वरूप में एक नई शक्ति के आविर्भाव का आभास हुआ। जीव जगत का पोषण करने वाली यह शक्ति अद्भुत थी। उपर्युक्त प्रतीक कथा का निष्कर्ष यह है कि यदि समझदारी और दूरदर्शिता से काम लिया जाए तो एक ही वस्तु का उपयोग कई प्रकार से किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस कथा में यह भी संदेश है कि मनुष्य को ईश्वर एवं प्रकृति ने जो शक्तियाँ प्रदान की हैं, उनका पूरा उपयोग यदि किया जाए तो जीवन में बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं। विडंबना यह है कि हम अपनी शक्तियों को न तो अच्छी तरह पहचानते हैं और न ही उनका ठीक ठाक उपयोग करना जानते हैं। हम उन्हें अज्ञानतावश नष्ट करते रहते हैं। शिव का त्रिशूल यदि प्रलयंकारी अस्त्र है तो वह हल्के काम में भी आ सकता है। हमारे भीतर जो शक्ति विघटनकारी अथवा विध्वंसकारी रूप धारण कर लेती है, उसका उपयोग सृजन के लिए भी हो सकता है। ऐसा करने के लिए बुद्धि विवेक का संतुलित होना आवश्यक है। सर्प भक्षक ही नहीं, रक्षक भी हो सकता है यदि उसका उपयोग किया जाए। कृषि कार्य का दार्शनिक विवेचन करें तो हमें एक नई जीवन दृष्टि मिलती है। पृथ्वी की भांति मनुष्य की कर्म भूमि भी उर्वरा है। यदि उसे सदाचारों से जीतें, उत्तम विचारों से सींचें और सत्य कार्यों के बीज बोएं तो पुण्य और कीर्ति की फसल लहलहाएगी। इसी प्रकार मस्तिष्क की उर्वरता का भी यदि हम ठीक से उपयोग करें, श्रेष्ठ चिंतन के बीज बोएं, बुद्धि से सींचें, विवेक का उर्वरक डालें तो सृजन उपजेगा, नव निर्माण की हरियाली जन्म लेगी। हमारे भीतर अन्नपूर्णा की शक्ति विद्यमान है, जो हमारी महत्वाकांक्षाओं की क्षुधा को शांत करने के लिए हमें अकल्पित सफलताओं का अन्न भंडार प्रदान कर सकती है। प्रकृति का यह कार्य हमें शक्तियों से संपन्न करना मात्र है। उनके उपयोग के लिए वह हमें नहीं सिखाती। सही गलत में उपयोग का निर्णय करने के लिए उसने हमें बुद्धि एवं विवेक, दो दुर्लभ विभूतियां प्रदान की हैं। ये दोनों भी शक्ति के प्रतिरूप हैं। संसार में हर व्यक्ति अपनी शक्ति का समुचित उपयोग करके जीवन और जगत को अपने श्रेष्ठ कार्यों से कृतार्थ कर सकता है। गाय प्रिय दर्शनी है, शुभ दर्शनी है, सबसे प्रेम करती है, सबका हित चाहती है, सबका कल्याण करती है। भक्ति भाव से सेवित होने पर भी मनोकामनाओं को पूर्ण कर प्रभु मिलन का दिव्य आनंद देने वाली है। वह हमारे वैदिक सनातन धर्म तथा यज्ञीय दैवीय संस्कृति का मूर्तिमान स्वरूप है। गाय का दूध
आरोग्य है, इसलिए उसे अमृत कहा गया है। गाय के दूध, दही, घी आदि के अभाव में आज हमारा जनजीवन अनेक रोगों का शिकार है। स्टॉप।